राष्ट्रीय अध्यक्ष और आर्य जगत के तेजस्वी युवा ऊर्जावान नेता आदरणीय भाई अनिल आर्य जी को और उनकी पूरी टीम को, उनके महामंत्री आदरणीय महेंद्र भाई बहुत ही अनुभवी और बड़े उच्च पदों पर प्रतिष्ठित रहते हुए जिस व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया और आज अनिल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना जो रिटायर्ड लाइफ है वो समाज के लिए समर्पित करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके और साथी आदरणीय रामकुमार सिंह आर्य जी, आदरणीय यशोवीर सिंह आर्य जी, आदरणीय हमारे देवेंद्र भगत जी, हमारी बहनों में बहन उर्मिला या उनकी पूरी टीम, मैं समझता हूँ कि दिल्ली में केंद्रीय आर्य युग परिषद एक ऐसा सक्रिय, एक ऐसा अग्रणी स्थान पर संगठन है जो बड़ी से बड़ी सभाओं से भी ज्यादा सक्रिय रहकर हर महीने हर पंथ अखबारे में कोई न कोई कार्यक्रम करते हुए वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प रहता है। हमारे नौजवान सौरभ गुप्ता जिन्होंने सैकड़ों सैकड़ों नए बच्चों को, जिन बच्चों के परिवारों में कभी आर्य समाज का नाम भी कोई नहीं जानता था, ऐसे परिवारों के बच्चे जो आर्य समाज के पास कभी आए नहीं, कभी उनको परिचय नहीं हुआ, इन सौरभ गुप्ता की पूरी टीम ने दिल्ली के अंदर और दिल्ली के चारों तरफ हजारों बच्चों को ऐसे तैयार किया है जो आर्य समाज में दीक्षित हुए हैं, जिनके यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं और जो हर कार्य में बड़ी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ करके काम करते हैं। इस नाते से ऐसे नवयुवकों को उत्साहित करना अनिल आर्य जी की और केंद्रीय आयु परिषद की एक बहुत ही प्रभावशाली कार्यशैली और रणनीति है। ये संगठन आर्य समाज के भविष्य को ये बहुत ही सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए काम करता है। मैं समझता हूँ कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छोटी मोटी तकनीक और किसी भी एक प्रकार से पक्षपात के केंद्रीय आर्य परिषद के इस कार्य को हम सब लोगों को पूरी ताकत देनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, अर्थात मन मन और धन से इस युवा शक्ति को आर्य समाज में लाने के लिए हम सब लोग पूरी ताकत लगाएं, हम सहयोग करें। इस संगठन का हर वर्ष एक मेला यहाँ पर 3 दिन का भरता है, मौसम कितना ही विपरीत हो जाए, बरसात हो जाए, धुंध पड़ जाए और भी कोई भी कितनी ठंड हो, उसके बावजूद भी निर्बाध गति से केंद्रीय आयु परिषद अपने झंडे गाड़ती है और दिल्ली के बड़े बड़े ऐसे मैदानों में जहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए बड़ी शक्ति लगती है, जिसको इस प्रकार से पंडाल के और दूसरी चीजों से ढापना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, परंतु बिना किसी बात की परवाह के आप सब लोगों के सहयोग और विश्वास के बल पर आदरणीय अनिल आर्य जी इस तरह के बड़े बड़े आयोजन करके आर्य समाज को आगे बढ़ाते हैं। मैं उनको सार्वदेशिक सभा की ओर से और आप सब की ओर से, पूरे आर्य जगत की ओर से उनको इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं और अपनी बधाई देता हूँ। ईश्वर उनके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखे। उनकी धर्मपत्नी बहन प्रवीण आर्या जी, यदि उनका अनिल जी के साथ सकारात्मक और एक प्रकार से अपना समर्पित सहयोग नहीं होता तो शायद अनिल जी भी कहीं ना कहीं किसी रुकावट में पड़ जाते। प्राय गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी जब दोनों मिलकर किसी मिशन को समर्पित होते हैं तो वो समर्पण बहुत बड़ी ताकत बनकर समाज के लिए उपयोगी होता है। मैं उनको भी इस बात के लिए बहुत बहुत एक साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने आर्य समाज के कार्य के लिए अपने पूरे परिवार को, अपने पति को भी और स्वयं भी 24 घंटे घूम घूम कर वो इस काम को करती रहती है। मैं इन शब्दों के साथ, यहाँ पर बहुत गणमान्य लोग विद्यमान हैं, हमारे सभी मेरे सम्मान के योग्य सन्यासी वृंद यहाँ पर हैं, जिनके आने से ही कार्यक्रम की शोभा और रौनक बन जाती है। सन्यासियों का अगर मंच पर बैठना, विराजमान होना न हो तो वो मंच शोभा नहीं देता है। आर्य समाज के मंच की शोभा हमारे सभी सन्यासी होते हैं। आज सब लोग आए हैं और भी शाम तक पहुंचेंगे। हमारे आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान, व्याख्याता, वेद कथाएं और अनेक बड़े बड़े यज्ञों और योग के शिविरों के माध्यम से वैदिक धर्म और वैदिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले पूरे आर्य जगत में जिनका अपना एक बहुत ही शीर्षस्थ स्थान है,
श्रद्धे आचार्य अखिलेश्वर जी यहाँ पर जो इस पूरे तीनों दिन के यज्ञ के ब्रह्मा पद पर सुशोभित हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा हम सब के लिए एक नया, एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा और नया ऊर्जा देने वाला उनका प्रवचन और उनका कार्यक्रम होता है। उनका सानिध्य आपको मिल रहा है, उनको बुलाने के लिए आप इंतजाम करेंगे तो महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने व्यस्त विद्वान ऐसे सामान्य प्रोग्राम में मिल नहीं पाते। किंतु ये आयोजन ऐसा है जिसमें आचार्य जी हमको बड़े सरल सुलभ प्राप्त होते हैं, उनका सानिध्य मिलता है, उनकी प्रेरणा मिलती है, उनका भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत हृदय से अभिवादन करता हूँ। हमारी श्रद्धेया पूज्य बहन उत्तमा यति जी यहाँ पर विद्यमान है, ये अपना पूरा जीवन आर्य समाज को इन्होंने समर्पित किया हुआ है। साध्वी बनकर बहुत बड़े पद पर आपकी प्रतिष्ठा थी, आपका परिवार, आपके पूज्य पिताजी बहुत बड़े आर्य समाज के विद्वान थे और आपके बड़े भ्राता आप सभी जानते हैं कैप्टन देवरतन आर्य, जिन्होंने आर्य समाज में नेतृत्व किया बहुत लंबे समय तक। किंतु इन्होंने भी अपना पूरा समय देश विदेश में आर्य समाज की शक्ति को बढ़ाने में दिया हुआ है। उनका भी मैं यहाँ पर, उनका पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं बहुत दूर था, आ नहीं सका। आज सार्वजनिक रूप से इस अवसर पर मैं उनके उत्तम जीवन के, उनके उज्ज्वल भविष्य के, उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य की ईश्वर से कामना और प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनको शक्ति दे, हमारी बहनों में, हमारी बेटियों में उच्च कोटि के संस्कार दे करके उनको आर्य समाज के साथ जोड़ती रहे, ऐसी मेरी उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारी बहन उर्मिल आर्य जी दिल्ली में महिलाओं को, बेटियों को संगठित करने में उनका जो योगदान मैं देखता हूँ, इतना उत्साह उनके अंदर रहता है कि वो बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां भी हो तो भी अपना पूरा समय और पूरी शक्ति इस संगठन को देती रहती है। वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर विद्यमान है, नाम में बहुत सारे साथियों के जानता, जिनके नाम आदरणीय अनिल जी ने सबके गिनाए, आपके सामने बताया, समय समय पर मंच पर सबका अभिनंदन भी होगा। मैं देश भर से आए सभी मेरे युवा साथियों को, संगठनकर्ताओं को और संस्थाओं के जो चलाने वाले विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, और मेरे समक्ष जो युवा विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ विद्यमान है, जो आर्य समाज के पदाधिकारी यहाँ पर विद्यमान है, मैं आप सब लोगों का भी अभिनंदन करते हुए इस अवसर पर 3 दिन के हमारे इस आर्य महासम्मेलन की सफलता की प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हमारा ये सम्मेलन बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छी प्रकार से चलते हुए सफल हो और हम यहाँ पर अपने भावी कार्यक्रम के ऊपर, विभिन्न विषयों पर, वैदिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श करके समाज के उत्थान और कल्याण के लिए योजना बनाए। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का इस अवसर पर और खासतौर पर केंद्रीय आर्य उपनिषद अनिल आर्य जी का आभारी हूँ कि वो मुझे इस प्रकार के अवसर पर मुझे बुलाते हैं, मुझे ये सम्मान भी जो दिया, सन्यासी के नाते इतनी मालाएं पहनना मुझे बड़ा झिझक और संकोच कई बार होता है। इतने सारे सन्यासी खड़े हैं, विद्वान खड़े हैं, किंतु संगठन की कुछ ऐसी प्रक्रिया बन जाती है, अनिल जी वो सारी की सारी जो औरों की मालाएं थी वो भी आपने मेरे गले में डलवा कर एक बोल एक प्रकार से डाला। मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ, आप सबका भी कि आपने मेरा सम्मान किया। मैं ये मानता हूँ कि आप सबका मेरे सम्मान में सम्मान समाहित होना चाहिए, आप भी उतने प्रतिष्ठित और सम्मानित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर नमस्कार।